अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद जीए। आज हम बना रहे हैं सैंडविच, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में और खाने में भी बहुत यम्मी लगते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। सैंडविच बनाने के लिए इधर ये मैंने आलू ले लिए, मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको ग्रेट कर लिया है। आप इनको ग्रेट करने के बाद इसको धो लें और अच्छे से इनका पानी निचोड़ दें, जिससे इसमें कोई भी पानी नहीं रहे। इस टाइम पर ये बिल्कुल पकने के लिए परफेक्ट तैयार है। इस उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैं आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी और इसमें ये हम कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हो तो आप इस टाइम पे लाल मिर्च भी ऐड कर लें। अब मैं इसमें ये अरारोट पाउडर डाल दूंगी, जिससे ये अच्छे से वाइंड हो जाए, बिखरे नहीं। इसलिए आप अरारोट या कॉर्नफ्लावर आप इसमें कुछ भी ऐड कर लें। मैं इसमें 4 चम्मच ये अरारोट मैंने डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब आप इसमें अरारोट मिला उस टाइम आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें और आलूओं को भी अच्छे से निचोड़ लें, क्योंकि जब हम इसमें नमक डालते हैं तो इसमें से बहुत मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है। इसलिए आप इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करें। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी ही काफ़ी पानी है। मैंने तवा रख दिया, इसमें मैं ये थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हम ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमने मिक्सर को तैयार करके रखा था ये हम मिक्सर इसमें डाल देंगे। इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। इस टाइम पर मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है, अब तुरंत फ्लेम को हाई नहीं करें। सबसे पहले हम इसी तरीके से 2-3 इसमें और रख देंगे। मिक्सर को अच्छे से रख दिया है, उसके बाद मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सिकने देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। टिक्की एक तरफ से सिक चुकी है, उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और इसको हम पलट देंगे, जिससे ये इधर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। लेकिन आप इसको आराम से पलटें, जिससे ये टूटे नहीं और इसको क्रिस्पी होने तक सेक लें। आप इसको हाई फ्लेम पे ही सेकें, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। इस टाइम पे टिक्की बहुत अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, बाकी की टिक्की भी हम ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। सारी टिक्की को सेक लिया है, उसके बाद मैं ये अंडा डाल दूँगी, इसको भी हम सेक लेंगे। अगर आप अंडा नहीं खाएं तो आप अंडा नहीं डालें। मैं 2 तरीके के बना रही हूँ, सादा भी और अंडे वाले भी। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, उसके बाद 1 पिंच नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे हम दोनों तरफ से। हमने सारा सामान बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं ये थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस कैचअप में मिला लूँगी। अगर आप मिर्च नहीं खाते तो आप नहीं मिला, मैं थोड़ी सी मिलाऊँगी, 2 चम्मच के बराबर। वैसे मुझे भी ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद है, पर मेरी फैमिली को मिर्च ज़्यादा पसंद है। कोई नहीं, हम मिला इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केचप को मिक्स कर लिया है, उसके बाद हम ये स्लाइस पे केचप लगा देंगे। आप एक बार ये सैंडविच ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही यमी लगते हैं। आप प्लेन बनाएं, मुझे प्लेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे अंडा ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, किसी को पसंद होगा वो बना लेगा, इसलिए मैंने दिखाया। बाकी मैं तो ये प्लेन खाती हूँ। उसके बाद ये जो हमने बना के रखी थी टिक्की, इसको रख लेंगे और ये अंडे को जो हमने सेक के रखा है ये रख देंगे। फिर हम ये प्याज इस पर रख लेंगे। मैंने इधर प्याज, चुकंदर, टमाटर और खीरे यूज़ किए। आपको जो पसंद हो आप इसमें वो रख लें। इन सारी स्लाइस को अच्छे से लगा लेंगे। हम एक पीस और लेंगे, उस पर भी हम केचप लगा लेंगे। अगर आप टोस्ट करके इन्हें खाना चाहें तो आप टोस्ट कर लें। वैसे मैं थोड़े टोस्ट करूँगी, बाकी की मैं ऐसी कर लूँगी, क्योंकि मैं ऐसी प्लेन खाऊँगी। इसको हम कवर कर देंगे। इसमें एक्स्ट्रा ही वेजीज हो गई है, मैं थोड़ी सी ये साइड में हटा ही देते हैं। यम्मी सा सैंडविच बनके तैयार है। मैं प्लेन भी आपको बना के दिखाती हूँ, बिना अंडे वाला। मैंने एक स्लाइस पे केचप लगा लिया है, उसके बाद हम इस पर ये टिक्की रख देंगे, थोड़ी सी हम प्याज रख देंगे, उसके बाद हम ये 2 चुकंदर के पीस रख देंगे, ये टमाटर रख देंगे और हम 2-3 खीरे के पीस रख देंगे। और इसको हम दूसरे साइड पे भी ये केचप लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे।
हमारी यम्मी से सैंडविच बनके तैयार है। हमारे मज़ेदार से सैंडविच बनके तैयार हैं। सारे लोग टोस्ट करने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको प्लेन ही रखा है। वैसे ये प्लेन खाने में ज़्यादा यम्मी लगते हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर करें। और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं आप, इसलिए इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।